हेलो नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आप लोग भी अपनी बाइक के साथ उड़िए आसमान में और आसमान की सैर करिए। दोस्तों, इस तरह का वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक वीडियो बनाना होगा, कुछ इस तरह से आपका वीडियो बनेगा जिसमें एक आपको ट्राइपॉड की ज़रूरत पड़ेगी, मोबाइल की जगह स्टैंड करके कुछ इस तरह से एक्टिंग करना है आपको, बाइक पर जाकर बैठना है और सामने की तरफ भी ध्यान रखेगा दोस्तों कि आसमान का नज़ारा बिल्कुल साफ दिखना चाहिए, इस तरह से एक्टिंग कर लेना है हम लोगों को। और जैसे हमारा एक्ट पूरा हो जाए, बाइक को सामने से हटा के आसमान की तरफ कैमरा ले जाना है घुमा के दोस्तों, आसमान का सीन लेना है थोड़ा सा। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए, बहुत ही आसान होता है इस तरह का वीडियो बनाना, बस जरा सा ध्यान से देखेंगे वीडियो को, आप लोगों को भी समझ में आ जाए कैसे बनता है ऐसा वीडियो कुछ इस तरह से। हो जाने के बाद दोस्तों हम लोग चलेंगे अपने फेवरेट ऐप काइन मास्टर में, काइन मास्टर को ओपन करेंगे, यहाँ से 9 to 16 वाला ऑप्शन चुनेंगे यहाँ से दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे भी वीडियो हम लोगों ने शूट करके ऐड किया हुआ है, वहाँ से भी वीडियो को इंपोर्ट कर लेंगे। वीडियो यहाँ से लेने के बाद दोस्तों सबसे पहला काम रहेगा कि वीडियो का जो आवाज़ होगा उसे हम बंद कर देंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग के समय आवाज़ जरूर कुछ ना कुछ रहता है तो उसे मिक्सर पे जाके म्यूट कर देंगे उसको। उसके बाद देखेंगे दोस्तों कहाँ से हमारा वीडियो सही है, वहाँ से वीडियो कट कर लेंगे। कट करने के लिए ट्रिम वाले ऑप्शन पे जाएंगे, कैच वाले ऑप्शन पे, वहाँ से ट्रिम सिलेक्ट करेंगे, लेफ्ट वाला साइड कट जाएगा। और दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, जहाँ से ये हाथ से ऊपर कर रहे हैं यहाँ से हमें एक स्क्रीन कैप्चर लेना है, यहाँ से वीडियो का स्क्रीन कैप्चर लेना है, यहाँ से कैप्चर एंड सेव पे क्लिक करिए, वीडियो सेव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग चले जाएंगे क्रोम पे, क्रोम खोलेंगे यहाँ से, यहाँ पे हमें सर्च करना है रिमूव बीजी, रिमूव बीजी सर्च करते ही एप्लीकेशन खुल जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे, ब्राउज में जाएंगे, यहाँ से ब्राउज जो भी हमने फोटो भी कैप्चर किया उसको ले लेंगे, यहाँ से अपलोडिंग हो रहा है दोस्तों, इसमें कुछ करना नहीं होगा, बैकग्राउंड इमेज के अपने आप सामने आ जाएगा, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे फोटो, फिर बैक करके वापस जाएंगे काइन मास्टर में। बैक करके काइन मास्टर में वापस आ जाएंगे, यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, मीडिया पे जाके जो भी हमने अभी बैकग्राउंड यूज किया है उसको यहाँ से इंपोर्ट करेंगे और इसको फुल स्क्रीन में फिल करना है दोस्तों, इसको ध्यान को वीडियो के शेप में फिट करना है लेयर को, जो लोग अपने हिसाब से आप लोग एडजस्ट करिएगा इसको, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो वीडियो अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, इसको सेट कर लीजिए आप लोग आराम से। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं रोज़ ऐसे ऐसे वीडियो सामने लाता रहूँगा दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से करना होता है। इस प्रोसेस को सेट करने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन इसको बहुत ध्यान से सेट करना होता है, क्योंकि ये अगर अच्छे से सेट नहीं हुआ तो वीडियो बिल्कुल भी अच्छा नहीं सेट होगा, दिखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इसको थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन इसको आराम से आप लोग अपने से सेट करिएगा अपने तरीके से। हो गया, अब वीडियो का ड्यूरेशन जो है लेयर का, उसको वीडियो के लेवल तक ले जाना होगा, उसको खींच के वीडियो के लेवल तक पूरा कर दें। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे हम लोग स्क्रीन कैप्चर लिया था वहीं पे ट्रिम वाले ऑप्शन पे जाके इसको स्प्लिट कर लेंगे, यहाँ से स्प्लिट करके इसको कट कर देंगे। जहाँ से हम बाइक हटा रहे हैं वहाँ तक का वीडियो जो दोस्तों ट्रिम करना होगा, ट्रिम लेफ्ट वाले ऑप्शन पे जाके इसको ट्रिम कर देंगे यहाँ से। अब यहाँ के बाद खुला आसमान दिखाई देना चाहिए, अब दोस्तों आता है मेन काम, वीडियो शेप में सही से ले लेंगे इसको कट करके, जहाँ तक वीडियो बनाना है वहीं तक लेना है, उसके बाद कट कर देना है।
यहाँ से दोस्तों हम लोग जाएंगे जो की वाला ऑप्शन आप लोग दिख रहा है लेफ्ट साइड में, ये की वाला बटन दिख रहा है जो, इसको प्रेस करेंगे और हल्का सा वीडियो स्लाइड करके आगे ले जाएंगे और प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और धीरे से जो लेयर है उसको क्रॉप करके छोटा करके ऊपर ले जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके ले जाना है, थोड़ा सा वीडियो स्लाइड करना है और उसके बाद प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, थोड़ा सा वीडियो क्रॉप करके फिर छोटा करके ऊपर ले जाना है, थोड़ा स्लाइड करके ऐसे कर करके दोस्तों प्रोसेस को पूरा करना है। प्लस वाले ऑप्शन को आप लोग प्रेस करते रहिएगा हर बार, थोड़ा स्लाइड करने में प्लस वाला ऑप्शन प्रेस करके ही आगे ले जाना है इसको। इसको बहुत धीरे धीरे करना होता है दोस्तों, प्लस वाला ऑप्शन दबाते रहिए, धीरे धीरे वीडियो को ऊपर ले जाइए, लेयर को अपने तरीके से उसको एडजस्ट करिए, सामने फ्रंट पे दिखना चाहिए, ऐसा लगे कि हम आसमान में उड़ रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग भी इस तरह का वीडियो बनाइए, आसमान में सैर करिए। कंप्लीट हो गया दोस्तों ये प्रोसेस, एक बार हम लोग वीडियो चला के देखेंगे, यहाँ से वीडियो को पूरा चला के देखेंगे। ये देखिए दोस्तों वीडियो बन चुका है सही तरीके से, आप लोग भी अपने मोबाइल में बहुत आसानी से इस तरह का वीडियो बना सकते हैं। वीडियो बन जाने के बाद तो जो ऊपर शेयर का ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेव एज वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को सेव कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह आप लोग भी अपने मोबाइल में इस तरह का वीडियो बनाइए और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।